गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यूपीपी कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपका रैपिड फायर सीरीज चल रहा है, उस रैपिड फायर सीरीज में हम बात करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपका प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो इनके बारे में हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात कर रहा है संयुक्त राष्ट्र में कितने अंग हैं, तो आपको पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र में जो अंग है ना वो 6 अंग हैं। ध्यान रखिएगा, 6 अंग में आपके कौन कौन से हैं? महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, सचिवालय है, और आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, और एक न्यास परिषद है। एक्चुअली में 5 ही काम कर रहे हैं इस समय। न्यास परिषद को जो ट्रस्टी था उसे 1994 में समाप्त कर दिया गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य है? तो ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के उस निकाय का नाम क्या है जो सदस्यों के देशों के बीच में कानूनी विवाद, ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम है ये। आगे बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन से हैं? तो चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है। ध्यान रखेंगे ये 5 हैं और 10 आपके अस्थायी सदस्य हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य हैं? तो 193 देश। लास्ट जो था वो दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी जुबा है। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। लीग ऑफ नेशंस का गठन कब किया गया था? तो लीग ऑफ नेशंस का गठन जो किया गया था वो 10 जनवरी 1920 को किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है? ध्यान रखेंगे अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी कार्यकारी भाषा है। ध्यान रखेंगे इसमें चीनी भाषा भी है, अभी लेटेस्ट एक अरबी भाषा भी जोड़ी गई है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी पहले व्यक्ति थे। संयुक्त राष्ट्र को नोबल कितनी बार मिला है? तो 2 बार मिला है। ध्यान रखेंगे, एक मिला है इसको 2001 में, एक मिला है आपके 2020 में, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आपके प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक किस महीने में होती? तो सितंबर महीने में, यह बात ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले अध्यक्ष जो थे वो ट्रिगबेली थे, ये बात ध्यान रखिएगा। वर्तमान ये हैं और ये लोग 2-2 बार चुने गए हैं। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे अधिक बार वीटो का जो यूज किया है वो रशिया ने किया है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर, इसका मुख्यालय आपके नीदरलैंड के हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर मैं स्थापना आपसे कहूं तो इसकी स्थापना आपके 1945 से ही अस्तित्व में है, ये 16 का सी हो जाएगा। 17 नंबर के क्वेश्चन में बात करूं तो 17 नंबर के क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या आपकी 15 है, ध्यान रखेंगे 9 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, 18 विश्व बैंक का मुख्यालय, विश्व बैंक के मुख्यालय के बारे में अगर मैं बात करूं 18 नंबर वाले क्वेश्चन में तो वाशिंगटन डीसी है। 19 नंबर, विश्व बैंक की स्थापना कब होती है? विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1944 में। विश्व बैंक के संस्थापक जॉन मेनार्ड स्कीन्स, ध्यान रखेंगे ये आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और आपके वर्ल्ड बैंक दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अगर मैं बात करूं इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय आपके वाशिंगटन डीसी में है। यूनिसेफ की स्थापना आपसे अगर पूछे, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी 23 नंबर के क्वेश्चन में, तो यूनिसेफ की स्थापना जो हुई थी वो आपके यूनिसेफ की स्थापना आपके 1946 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ का मुख्यालय अगर 24 नंबर के क्वेश्चन में पूछे तो यूनिसेफ का मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखेंगे बी आंसर। संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की स्थापना किस वर्ष होती है? 25 नंबर क्वेश्चन में आपका 1965 सही जवाब आपका हो जाएगा। यूएनडीपी अगर यूएनडीपी की बात करें तो यूएनडीपी का मुख्यालय जो है वो यूएनडीपी का मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क में है, ये बात ध्यान रखिएगा। यूनेस्को की स्थापना अगर 27 नंबर क्वेश्चन में बात करें तो यूनेस्को की स्थापना आपके 1945 में, इसका मुख्यालय जो है आपके वो वाशिंगटन डीसी में है, ये सॉरी यूनेस्को की बात हो रही है तो यूनेस्को का मुख्यालय आपके पेरिस में है। 28 का सी हो जाएगा आंसर। बात करेंगे आपके अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के बारे में, तो 29 का जो स्थापना हुआ था 1956 में, बिल्कुल सही जवाब। 30 जो है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय कहां है? अगर 30 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय आपके वाशिंगटन डीसी में है।
खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करूं मैं, तो खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना आपके 31 का बी हो जाएगा 1945, ठीक ना। अगर मैं बात करूं खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय तो इटली के रोम में। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP की स्थापना जो हुई थी वो 1961 में इटली में। चलिए, इसका मुख्यालय आपके इटली में है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय जो है आपके ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, तो 1993 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे इसका भी मुख्यालय आपके बेल्जियम में है और 1949 में अभी ये 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी स्वीडन जो है अभी लेटेस्ट में 32वां इसका आधिकारिक सदस्य बना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 और इसका मुख्यालय आपके कहां पे होता है, आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व व्यापार संगठन WTO की अगर मैं बात करूं 37 नंबर के क्वेश्चन में, तो WTO की स्थापना जो हुई थी 1995 जिनेवा, इसका क्या है आपका, जिनेवा इसका मुख्यालय है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में होती है और मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, बिल्कुल सही जवाब। अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है वो आपके 8 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में, इसका मुख्यालय आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड, बिल्कुल सही जवाब आपका ये हो जाएगा, ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो आपका WIPO होता है, 40 नंबर के क्वेश्चन में अगर बात करी जाए, 40 नंबर के क्वेश्चन में आपका 1967 जिनेवा स्विट्जरलैंड, बिल्कुल सही जवाब। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बात हो रही है, तो ध्यान रखेंगे 41 का आपका आंसर हो जाएगा यहां पर बी 2006 में और जिनेवा स्विट्जरलैंड, बिल्कुल सही जवाब। 42 ओपेक की स्थापना जो है ना, उसका मुख्यालय आपके ऑस्ट्रिया वियना में है और ध्यान रखेंगे 1960 में इसकी स्थापना होती है। व्यापक परमाणु CTBT जो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है वो 43 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, तो इसका भी मुख्यालय आपके वियना में है और इसकी स्थापना आपके 1996 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, इसका भी मुख्यालय आपका जो है वो ऑस्ट्रिया वियना में है, 1957 में इसका गठन किया जाता है। राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय लंदन UK में है, जो 1926 में आपका क्या किया जाता है, 1926 में इसका गठन किया जाता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय आपके पेरिस फ्रांस में है, 1961 में इसका स्थापना होता है। 47 नंबर इंटरपोल का मुख्यालय कहां स्थित है, तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है और इसका आपका 1923 में गठन होता है, इंटरनेशनल पुलिस कहते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB 48 नंबर के क्वेश्चन में मैं बात करूं, तो ADB की स्थापना आपके 1966 में होता है, एशिया का विकास बैंक है ये। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय आपके मनीला फिलीपींस में है और इसमें कुल टोटल आपके 67 देश हैं। तो ये आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय संगठन से लेकर के आपके क्वेश्चन रहे हैं, इसी तरीके के और आपके रैपिड फायर राउंड आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।